और ये पूरा प्रोजेक्ट है द्वारका एक्सप्रेसवे का, ये डाइवर्जन है NH-48 से, और फिर इस डाइवर्जन के थ्रू हम मिलते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे में। अभी यहाँ पे देखिए थोड़े थोड़े ये बैरिकेड उठाए हुए हैं यहाँ से द्वारका एक्सप्रेसवे। कितना और टाइम लगेगा इसको बनने में? साल लगेगा। न्यूज वाले बताते हैं 4 महीने, यहाँ के वर्कर बताते हैं साल। हालत काफी खराब थी कुछ दिनों पहले तक, अभी इसको ठीक कर दिया गया। ये मिल जाएगा यहाँ पे द्वारका एक्सप्रेस वे में। ये जो स्ट्रेच है द्वारका सेक्टर 21 अंडरपास तक, ये द्वारका एक्सप्रेस वे प्लस UER सेकंड दोनों एक साथ पैरेलल चलते हैं। टनल में है द्वारका एक्सप्रेस वे, सरफेस रोड है UER सेकंड। यहाँ पूरा जो टनल्स है उसका काम चल रहा है। बाकी द्वारका एक्सप्रेस वे का ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो गया, पैकेज 1 में काम बचा है, और जो काम बचा है वो इंटरसेक्शन में है। जो दो रोड मिलते हैं उसको इंटरसेक्शन बोलते हैं, तो एक कापाछेड़ा नाजमगढ़ वाला इंटरसेक्शन है और एक बर्गर चौक वाला इंटरसेक्शन है। एक रेड लाइट हुआ करती थी द्वारका एक्सप्रेस वे के बाद रेड लाइट गायब हो गई। हम रुक जाते हैं भाई, इस बार में जल्दी नहीं है। रेड लाइट गायब होते ही देखे यहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन हो गया, कोई रूल एंड रेगुलेशन ही नहीं है। अब तो इस गाड़ी के पीछे पीछे चलते हैं। खंभे लग गए, लाइट नहीं लगी अभी, डल गई कंडीशन नहीं हुआ। तो ये तो ठीक काम है, बाकी है तो आपका एक्सप्रेस वे का ज़्यादा होती है, तो मे बी कोई इसमें कुछ प्रॉब्लम हो। तो प्लांटेशन वाली जगह थी, वहाँ पे भीड़ खरपतवार उगी हुई है।
जहाँ हम चल रहे हैं उसके नीचे टनल है। साइड है वहाँ पे थोड़ा लाइन ज़्यादा है, जो ये जो रोड है जिससे हम चल रहे हैं इस साइड 5 लाइन है, और उस साइड अगर हम देखें तो 5-7 लाइन है। दो लाइन का एडवांटेज है। अंडरपास से सीतापुर की तरफ जाने वालों को दो लाइन का एडवांटेज है। आपने बरसात के पानी के वजह से और यहाँ पे चलो टनल ओपन होती है, जो राइट हैंड साइड पे दिख रही होंगी आपको, ये चलो टनल से यहाँ ओपन होती है। अंडरपास में एंटर हो जाएंगे। अंडरपास में एंट्री के साथ, अंडरपास से एंट्री जो एग्जिट है उसके साथ ही पैकेज 1 खत्म हो जाता है। और यहाँ देखिए पूरा ले आओ पैकेज 2 का। आपको दो ऑप्शन मिले।
मिलेंगे द्वारका एक्सप्रेसवे, इवन चार ऑप्शन मिलेंगे आपको। आप उस टनल जो सामने टनल दिख रही है उसके थ्रू आप द्वारका सेक्टर 21 जा सकते हैं, इस सरफेस रोड के थ्रू आप नजफगढ़ जा सकते हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे यूज़ करेंगे तो गुड़गांव जा सकते हैं, और UER यूज़ करेंगे तो आप चंडीगढ़ जा सकते हैं। स्पीड लिमिट वहाँ पे सौ हो चुकी है, 100 और 80, 100 है लाइट व्हीकल के लिए, 80 है हैवी व्हीकल के लिए। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ जो मिनट्स है 20 भी हो चुकी है। राइट हैंड साइड में द्वारका सेक्टर 21 चले जाएंगे, एरिया देखिए कितना फैंटास्टिक लग रहा है। आज यहाँ पे ट्रैफिक कंडीशन नहीं है, अभी एक्सप्रेसवे बना भी नहीं है, और तो लॉन्ग साइड भी चलते हैं। अभी ये जो ब्रिज है ट्राई बेसिस पे है तो काम कर रखा है, अभी के लिए ओपन नहीं। छोटा दिखता है यहाँ से, देखिए इसकी हाइट। यहाँ है द फेमस IICC इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, जिसको यशो भूमि भी नाम दिया गया है। पूरा IICC यहाँ से विजिबल होता है, देखिए